रियलमी 8 सीरीज वर्सेस रेडमी नोट 10 सीरीज, आप लोगों ने इतनी ज्यादा हाइप क्रिएट किया ना यार, मतलब दोनों ब्रांड को पॉपुलरिटी मिल रही है। प्रायोरिटी जो है रेडमी नोट 10 सीरीज की है, अगर उसका स्टॉक अवेलेबल नहीं है तो रियलमी 8 को जो है यहाँ पे पॉपुलरिटी मिल रही है। गाइस आज हमारे पास अवेलेबल है रेडमी के नोट 10 सीरीज और रियलमी की 8 सीरीज, और साथ में अवेलेबल है पोको का X3 एंड नार्जो 30 प्रो। ये 6 डिवाइस अवेलेबल है। बेसिकली रेडमी नोट 10 प्रो एंड मैक्स की अगर बात करते हैं तो दोनों ही फोन की बैटरी सिमिलर है, साइज सेम है, चार्जिंग सपोर्ट सेम है। इसका मतलब है कि रेडमी नोट 10 सीरीज पूरी अवेलेबल है, रियलमी 8 सीरीज अवेलेबल है, पोको X3 एंड नार्जो 30 प्रो जो है अवेलेबल है। देखते हैं कि कौन सा फोन जो है कितनी देर में चार्ज कर लेता है। सभी फोन की जो बैटरी है वो यहाँ पे फोन के जो है लिखी हुई है। आपको बता दूं जो Redmi के फोन है, मतलब Redmi Note 10 सीरीज और जो है Poco X3, सभी फोन में जो है 33 वॉट का चार्जर जो है आपको देखने को मिल जाता है इनबॉक्स में, और सपोर्ट भी जो है 33 वॉट करता है। लेकिन अगर Realme 8 सीरीज की बात करते हैं, मतलब Realme 8 एंड Realme 8 Pro एंड Narzo 30 Pro एंड Realme 8 जो है 30 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन Realme 8 Pro जो है 50 वॉट को जो है सपोर्ट करता है, लेकिन इनबॉक्स में जो है 65 वॉट चार्जर आता है। तो आपको बता दूं सभी फोन के जो है ओरिजिनल चार्जर से हम जो है चार्ज करने वाले हैं। सभी के जो है केबल इंसर्ट है, लेकिन हमने जो है बटन को चालू नहीं किया हुआ है। और सभी फोन की बैटरी अगर चेक करते हैं तो सभी फोन जो है 0% पे चार्ज है। करते हैं यहां पे स्टार्ट और देखते हैं कि कौन सा फोन जो है कितनी देर में चार्ज कर देता है। तो हमने यहां पे बटन को जैसे ही स्टार्ट किया तो यहाँ पे पोको का मतलब यूआई समझ में नहीं आया। जब मैं उसको ऑन कर रहा हूँ तो वो बोल रहा है कि आपके पास बैटरी नहीं है, लेकिन जब मैंने बटन चालू किया तो वो दिखा रहा है कि आपको फोन जो है 3% चार्ज है। मतलब इतना बग पोको X3 के अंदर यार यहाँ पे ये था। बाकी सभी फोन तो जो है 0% से स्टार्ट हुए थे, यहाँ पे फास्ट चार्जिंग होने के कारण जो है वो 1% या फिर जो है 2% हो गए, लेकिन पोको X3 का मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं उसको ऑन कर रहा हूँ तो 0% दिखा रहा है, लेकिन जब मैंने उसको चार्जिंग स्टार्ट किया तो डायरेक्टली वहां पे 4% चार्ज हो गया। बहुत ही अच्छी बात है। तो गाइज यहाँ पे हमने देखा पोको X3 का बॉक्स। लेकिन पोको X3 की अगर बात करते हैं ना तो स्टार्टिंग में जो है एक अच्छे से यहाँ पे स्पीड पकड़ता है और उसके बाद में जो है डाउन हो जाता है। डिटेल में बात करने वाले हैं, लेकिन गाइज अगर हम यहाँ बता दूं तो हम यहाँ पर जो है नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है चेक करने वाले हैं। कोई एसी रूम में हम जो है चेक नहीं करेंगे, क्योंकि एक नॉर्मल यूजर की बात करते हैं, कोई ह्यूमन नेचर की बात करते हैं, तो वो पंखे के नीचे ही फोन को जो है चार्ज करता है। मतलब जो है कोई ऐसा नहीं है कि एसी चला के जो है फोन को चार्ज करेंगे, क्योंकि जो ब्रांड होता है ना वो जब चार्जिंग स्पीड चेक करते हैं फोन की तो वो एसी रूम के अंदर चेक करते हैं, जिससे कि वो जो है फोन हीट नहीं हो और चार्ज जो है जल्दी हो जाए।
तो गाइज हमने यहां पर देखा ऑलमोस्ट 47 मिनट बाद में जो है रियलमी का 8 प्रो जो है 100% चार्ज हो जाता है। बचते हैं 5 फोन, यहां पे देखते हैं कि कौन सा फोन जो है और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दे देता है। तो गाइस 74 मिनट जो है कंप्लीट हो गए हैं, जहां पर हम देख रहे हैं कि नार्जो 30 पर रियलमी का 8 जो है चार्ज हो जाता है 0% से 100%। और गाइस उसके बाद में जो है ऑलमोस्ट 93 मिनट जो है कंप्लीट हो गए हैं, रेडमी का नोट 10 जो है 0% से 100% जो है चार्ज हो गया है। और गाइस अब जो है 100 मिनट जो है कंप्लीट हो गया है, मतलब जो है 100 मिनट कंप्लीट होने के बाद में जो है Redmi Note 10 Pro एंड Redmi Note 10 Pro Max की अगर बात करते हैं तो वो लगभग जो है ऑलमोस्ट 100 मिनट के अंदर जो है 0% से 100% जो है चार्ज हो जाता है। और गाइस Poco X3 की बात करते हैं तो वो जो है ऑलमोस्ट 110 मिनट में चार्ज होता है, मतलब 2 घंटे से जो है लगभग 10 मिनट जो है कम होते हैं तब जो है Poco X3 अपनी बैटरी को जो है चार्ज कर देता है। तो गाइस ये था आज की वीडियो में बैटरी चार्जिंग टेस्ट। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जो है जरूर से लाइक और शेयर करना मत भूलना, और हां कमेंट करके जो है अपनी राय जरूर से बताना आपका क्या मानना है इस बैटरी चार्जिंग के बारे में। तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है जरूर से बता सकते हैं। और गाइस सब्सक्राइब करना जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, सब्सक्राइब तो आपको करना ही पड़ेगा, बेल आइकन पर जो है साथ में जो है क्लिक कर देना जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियोस का अपडेट देखने को मिलते रहेंगे। मिलते हैं ऐसे एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।